हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर, मिस्टर मैजिक गेमिंग चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। नो चोरी नो चवाड़ी, ओनली क्वालिटी कंटेंट। दोस्तों, आज मैं लेके आ चुका हूँ जो BGMI इम्यूलेटर वर्जन जो है, जो हम लोग ब्लू स्टेक 5 में खेलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कॉमेंट्स आ रहा था, लैग हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकदम एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अगर ये सेटिंग्स आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को शायद लैग फ्री होने का चांसेस मोस्ट प्रॉबली है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कल वाला वीडियो में आप लोग इतना सपोर्ट दे मेरे को, अगर उसमें से कोई बंदा सब्सक्राइब कर देता है आज तो मेरा चैनल 1000 हो जाता। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वाला वीडियो में आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करना, जितने भी लोग देख रहे हो ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना प्लीज़। बस मैं रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है। पहली बात तो ये, बस प्लीज़ एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगे मैं डिजर्व करता हूँ तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, प्लीज़। फिर दोस्तों सीधा स्क्रीन में चला जाते हैं। अभी आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे ब्लू स्टैक जो इम्यूलेटर है, वहाँ पर जो BGMI गेम चल रहा है, कैसे आप लोग उस गेम को लैग फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रीन पे चला गया, स्क्रीन में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को ब्लू स्टैक पहले इंस्टॉल कर लेना है 5। ओके, आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिख ले रहे हैं ब्लू स्टैक 5। ओके, एक सेकंड गाइस, ब्लू स्टैक 5 लिख लेना है। ठीक है, उसको दे आएगा ऐसा, इसको ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको करना कि जब आप डाउनलोड कर लोगे तब आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आपको प्ले स्टोर में आपको वही वाला आईडी देना जिसमें आप लोग प्री रजिस्टर्ड किए हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप लोग पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, कैसे आप लोग ब्लू स्टैक को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये गेम ऐसा आ जाएगा। इससे आने के बाद आप लोगों को पहले चला जाना है, यहाँ पर लिखना है गेम मोड सेटिंग्स। ओके, अगर आप लोगों के पास ये ऑन है तो प्लीज़ इसको ऑफ कर देना, पहला तो ये काम ये है। इसके बाद एक्सबॉक्स बार जो गेम बार जो है इसको ऑन रहता है, इसको ऑफ कर देना, ये अनटिक कर देना। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये, पहले दो काम हो गया, गेम मोड को ऑफ करना, ये गेम मोड को ऑफ करना, उसके बाद एक्सबॉक्स को ऑफ कर देना। ठीक है, ये एक्सबॉक्स जो सेटिंग्स है इसको ऑफ कर देना। ठीक है, और इसको अनटिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आप चले सीधे आ जाओगे आपका जो ब्लू स्टैक 5 का जो इंटरफेस है। आप ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये जो सेटिंग्स है ना आपका, वो मैं दो तरीके से बताऊंगा, जिसका लो एंड हाई है, लो स्पीसी है उसका स्पेसिफिकेशन विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, इसके पास हाई ग्राफिक्स कार्ड प्लस स्पीसीज है उसके लिए बताऊंगा। दोस्तों सीधा आप लोगों को चला जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, इस वाला सेटिंग्स ऑप्शन में राइट साइड कोने में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रेफरेंस नाम का कुछ ऑप्शंस मिलेगा। आप देखो, जिसके पास कोड है, कोड 6GB कोड है, 6GB बोलो, 6 कोड है, 7 कोड है, 8 कोड है, 4 कोड है। कोड कहाँ से चेक होता है, आप लोग अपना खोल लेना ये, उसके बाद माई पीसी में चला जाना, दिस पीसी में, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाना, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना है आपको। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों, सॉरी यहाँ पर नहीं, आप लोगों को चला जाना टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में चला जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को चला जाना है सीधा परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस जाके आपको CPU जो है ये देख लेना, देखो 6 कोर है ना, तो आप लोग चेक कर लेना। अगर आपके पास 6 कोर है तो आप यहाँ पर 4 कोर हाइस्ट डाल सकते हो, अगर आपके पास 4 कोर है तो 2 कोर डाल सकते हो, 2 कोर है तो 1 कोर डाल सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा 6 कोर का है तो मैं 4 कोर डाल दिया, इसका जिसका लो कुछ कोर है जिसका, वो डाल सकते 2 या जितने हैं उसके 1-2 नीचे कर देना। ठीक है, उसके बाद मेमोरी जो है दोस्तों, जो मेरा 24GB का मेरा रैम है, तो रैम मैंने 4GB लगा दिया। अगर आपके पास 4GB का होगा तो आप लोग 2GB लगा देना या 1GB लगा देना, ठीक है, वो अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं, 4GB है तो 4GB लगा रहा है, ऐसा नहीं, 4GB तो 2GB लगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेम रेट इसको 60 इसको रख देना ऐसा, और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इसको ऑफ करके रखना है। ठीक है,
उसके बाद सीधा जाना है आपको डिस्प्ले, सबसे मेन चीज़ हो डिस्प्ले का। तो मेन चीज़ इस पे आप लोग लैंडस्केप पे रखते ना, अगर आप लोग के पास बहुत अच्छा पीसी है तो फिर आप लोग 1080 में खेल सकते हो, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा 720। अगर आप लोगों को बहुत ख़राब मतलब पुराना पीसी है तो आप लोग 540p में ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो ध्यान से सुनना, पहले 72 मेरे हिसाब से 1280 सबसे बढ़िया है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो 90p में, ठीक है, 9000 मतलब 100p पे। और इसका DPI आप लोग 24 कर देना, क्योंकि इसमें से आप लोगों को थोड़ा सा माउस का रिफ्लेक्शन अच्छा मिलेगा। अब अगर 320 कर सकते हो बट आपका माउस इतना बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेन जहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, ग्राफिक्स, ये सबसे बड़ी बात है। देखो दोस्तों यहाँ पर ग्राफिक्स इंजन मोड जो है ना दो है, कंपेबिलिटी और परफॉर्मेंस। तो कंपेबिलिटी में मत करना, परफॉर्मेंस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है ना उसके वाइज आपको ये आउटपुट देगा। तो ये परफॉर्मेंस कर लेना, उसका ग्राफिक्स रेंडर को आप लोग कर लेना डायरेक्ट एक्सेस। जिसके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, एनवीडिया बोलो एएमडी बोलो, वो लोग डायरेक्ट कर लेना है इसको। ओपन जेल वो लोग करना जिसके पास सिर्फ इंटेल का या एएमडी का इनबिल्ट आता है, इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड आता है, ठीक है, वो लोग कर लेना। अब लोग इस दोनों को ट्राई करके देख सकते हो किस में सबसे ज़्यादा लैग फ्री होने का चांसेस मोस्ट प्रोबली होता है। उसके बाद इंटरफेस रेंडर में आ जाना, इसको ऑटो कर देना, ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसको जस्ट ऑटो करके रखना है। और ASTC टेक्सचर जो बिटा है इसको डिसेबल करके रखना है, कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं करना है, ये सब कर लेना। उसके बाद आपके पास अगर अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन कर देना आपने, ठीक है, यहाँ पर नाम आएगा आपका ग्राफिक्स कार्ड का नाम आएगा, इसको ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको आएगा मेन आएगा प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर हर चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर जो अलाउ ब्लू स्टेक टू कनेक्ट हुई डिस्कॉर्ड, इसको ऑफ रखना है, क्योंकि इसमें से क्या होता है पता है, जो आपका ब्लू मतलब ब्लू स्टेक जो है, ये जो आप लोग एप्लीकेशन है इसको डिस्कॉर्ड में जब कनेक्ट होता है ना तो उसमें जो वॉइस क्वालिटी होता है उसके हिसाब से ना गेम को लैग करता है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये। तो इसको ऑफ रख देना इसको हमेशा। उसका डिवाइस सेटिंग्स में चला जाना, ठीक है, डिवाइस सेटिंग्स में चला जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं करना है, एडवांस जाके इसको कुछ नहीं करना है। एक बात बताओ तो डिवाइस सेटिंग में अगर किसी को आपके पास फ़ोन में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर अपना फ़ोन चेंज कर सकते हो, जो फ़ोन जो सीरीज है उसको चेंज करके देख सकते हो लैग फ्री कम हो रहा है कि नहीं। जियो जो सर्वर है, अगर मान लो किसी के पिंग इशू हो रहा है तो आप एयरटेल व वोडाफोन करके देख सकते हो अपने हिसाब से। बट जो प्रेफरेंस और जो ग्राफिक्स मैंने बताया ये सही रखना, प्रेफरेंस में ये ऑफ करके रखना, परफॉर्मेंस में जो जो मैंने अभी तक बताया वो सब करते रहना। उसके बाद ये आप लोगों को जब करोगे ना चेंज तो आप लोगों को रिस्टार्ट करने के लिए बोलोगे, आप लोग रिस्टार्ट करके फिर से करना, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मेन गेम पे जाके। मेन गेम पे जाके दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे ये गेम इंस्टॉल करूँगा मैं, ठीक है, मतलब खेलूँगा। देखो मेरा यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरा यूट्यूब पर कुछ काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा क्या लैग हो सकता है, ठीक है, बट ये कुछ नहीं, ये शटर डाउन है, इसमें थोड़ा सा होगा क्योंकि बीटा वर्जन है, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप लोग, मैं कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा शटर डाउन थोड़ा सा लैग होगा इसमें, आप भी कुछ नहीं कर सकते मैं भी कुछ नहीं कर सकते। बट मैंने आपको जितना भी नॉमिनल्स फीचर्स होता है, जितना भी नॉमिनल्स वो होता है क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब सेटिंग्स होता है जिसके वजह से आपको लैग फ्री कम हो जाएगा उसको मैंने बताया दोस्तों। प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, ठीक है दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ अपना इंटरफेस पे, अब देखना, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेरा गेम मैं ऑन कर रहा हूँ, मैं पहले मेरा बहुत लैग कर रहा था, अभी सेटिंग्स के बाद ना मेरे को लैग कम कर रहा है। देखो दोस्तों मैं अभी OBS से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरा जो और भी कुछ चल रहा है चीज़ पीछे तो थोड़ा सा मेरा लैग यहाँ पर दिखाई देगा, बट आप लोग करोगे तो आप लोगों को लैग नहीं दिखाई देगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, देखो ये एकदम कितना स्मूथ चल रहा है, देखो कितना स्मूथ चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग ना एक सेटिंग्स कर लेना, पहली बात तो ये सेटिंग्स में जाके आप लोगों को ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स में जाके कॉम्बैट स्मूथ एक्सट्रीम, लॉबी स्मूथ एक्सट्रीम, और इसको सॉफ्ट रख लेना है, ठीक है, और ये सब ऑफ रखना है, इस सब ऑफ रखना है, ये सब ऑफ रख दो, ये सब ऑफ रख दो जितना भी सेटिंग्स है इसका,
ये दोस्तों अब मैं इसको देखो कितना स्मूथली घूम रहा है ये देखो। अब मैं कोई भी गेम खेल के दिखा देता हूँ, मैं कोई भी गेम ये अभी लोडिंग हो रहा है अभी। दोस्तों प्लीज़ भाई को सपोर्ट करना यार, बहुत मेहनत लग गया दोस्तों। आप लोग क्या मतलब फ्री में तो है सब्सक्रिप्शंस, और यहाँ पर आप लोग फ्री पीसी गेम रिलेटेड बहुत सारे यूनिक यूनिक कंटेंट मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल को विजिट करो, मैं यहाँ पर लाइव भी करने वाला हूँ बीजीएमआई के ऊपर। तो दोस्तों ये इंटरफेस इसका आ गया, इसको मैं ओपन कर दिया, मैंने इसको F1 दबा दिया मैंने। देखो कितना बढ़िया चल रहा है ना, ये देखो ये देखो, कोई भी लैग मेरा तो देखो इतना भी मेरा रिकॉर्डिंग वेकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये कर रहे हैं क्योंकि इसके रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड चल रहा है, इसीलिए देखो ना गाइस ये देखो दोस्तों, कुछ भी लैग थी सुन। देखो ये हमारा प्लेन भी थोड़ा सा रेंडर करने करता था पहले, अब देखो ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है दोस्तों, कितने कितना स्मूथ चल रहा है देखो दोस्तों। ठीक है बस दोस्तों, ये जो जो मैंने सेटिंग्स आप लोगों को बताया मैंने, वो सब करते रहना, आप लोगों को शायद प्रॉब्लम आप लोगों को हल हो जाएगा। इस मेहनत के लिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब अभी करना दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट मेरे वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट बड़ी, टेक केयर।